तो इधर सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर व पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने जन शिकायतें सुनी, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत निस्तारण करने का सख्त निर्देश भी दिया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल द्वारा वरासत के नाम में 20,000 रुपए लिए और काम भी नहीं किया, जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि केवल कागजी कार्रवाई नहीं होगी, गुणवत्ता पूर्वक शिकायत का निस्तारण भी किया जाएगा। हमारे यहाँ के लेखपाल प्रभात अंतोरिया हैं, जो कि हर काम में पैसा लेते हैं। वरासत के नाम पे 20,000 रुपये ले लिए हैं और अभी तक वरासत हुआ तक नहीं। आय प्रमाण पत्र अगर बनाते हैं तो उसका भी 10,000 का डिमांड करते हैं। कोई लेटरिन बनाता है तो उसको भी 10,000-15,000 लेके ताल में 155 की जमीन है ताल की, उसमें बनवा देते हैं। तो इसकी शिकायत आपने डीएम साहब से की? डीएम साहब को दे दिए हैं, एफिडेविट मांगे वो भी दे दिए हैं। डीएम साहब ने कहा है कि एक हफ्ते में कार्रवाई करवा देंगे, दूसरे तहसील से जांच करवाएंगे। फोन नहीं हुआ क्योंकि अभी बीजे महोदय का सर से जो बैठक में जाना है, उस वजह से हम और कप्तान सर दोनों निकल रहे हैं। आज जितना भी मामला आया तो फिर उसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है, और केवल कागजी कार्रवाई नहीं है और इसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करेंगे। SDM साहब अपना सर से 5% शिकायतकर्ता का माध्यम से जो मिला है शिकायत, उसका फोन के माध्यम से वेरीफाई करेंगे, और 10% जो शिकायत है वो नायब तहसीलदार अपना सर से भी फोन के माध्यम से निस्तारण करेंगे। और सब लोगों को निर्देश ये भी दिया गया है, सभी लोग मौके पे जाएंगे और दोनों पक्ष को बुलाएंगे, विवाद में उपलब्ध दोनों पक्ष को बुलाएंगे और नियमानुसार जरूर निस्तारण।